नमस्कार दोस्तों, मैं निकी आप लोगों का स्वागत करती हूं इस ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं अकाउंट्स विथ टैली। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूं टैली की एक और इंटरेस्टिंग पार्ट, पेरोल। टैली में हम पेरोल का मेंटेनेंस कैसे करेंगे और पेरोल को हम टैली में मेंटेनेंस क्यों करते हैं, आइए हम जाने पहले पेरोल के बारे में कि पेरोल है क्या, व्हाट इज पेरोल। तो अ पेरोल इज अ कंपनी लिस्ट ऑफ लिस्ट एम्प्लॉय बट टर्म इन कॉमनली यूज टू रेफर टू द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट अ कंपनी पे टू से इट एम्प्लॉयज। वेतन भत्ता एक ऐसा लिस्ट है जो कंपनी का जो एम्प्लॉय की सारी टर्म को कॉमनली यूज कर सकता है, जो कि कंपनी कितना अमाउंट आवर्स वाइज डेज वाइज वीकली मंथली एंड ईयरली एम्प्लॉय को पे करती है, और एम्प्लॉय की एक एक दिन की अटेंडेंस को पेरोल में मेंटेनेंस करके रखती है ताकि एम्प्लॉय को ओवर टाइम टीए डीए पीएफ पीएफएफ बोनस लीव इन सब का बेसिक सैलरी में से मेंटेनेंस हो सके। जैसे कि कोई एम्प्लॉय की सालाना छुट्टी 20 है, अगर एम्प्लॉय अपनी छुट्टी बचा के रखता है तो कंपनी उसे प्रोविडेंट देती है टीए डीए वगैरह आरएटीए इन सब ये सब बेसिक सैलरी पे देती है। अगर एम्प्लॉय छुट्टी जो उसकी है उससे ज़्यादा ले रखी है तो उसके बेसिक सैलरी में से डीए वगैरह पीएफ वगैरह माइनस हो जाता है। अगर एम्प्लॉय ओवर टाइम ड्यूटी करता है तो कंपनी उसे ओवर टाइम को आवर्स बेसिक पे पेमेंट अलग से मिलता है। फ्रेंड्स, ये पेरोल जो है वो टैली ईआरपी 9 में एक ऐसा मेंटेनेंस है इसका, जो कि हम जैसे सैलरी को अगर पेमेंट सैलरी को अगर हम डे बाय डेज आवर्स वाई मेंटेनेंस कर सकते हैं। अगर किसी एम्प्लॉय को हम सैलरी पेमेंट करते हैं, जैसे कि उसका बेसिक सैलरी है 10,000 हो या 16,000 हो, उस हिसाब से हम उसे वो कितने दिन छुट्टी किया, कितना दिन ओवर टाइम किया, ये सब मिला के उसे हम कन्वर्ट करते हैं एच आर ए टी ए डी ए बोनस इट्स एक्स्ट्रा। तो ये सैलरी पेरोल में एक बेसिक सैलरी होती है जो कि एम्प्लॉय की खुद की सैलरी होती है, वो किसी कंपनी में वर्क करता है तो उसे मान लीजिए जो सैलरी मिल रहा हो या 10,000 मिल रहा हो, 5,000 हो वो उसकी बेसिक सैलरी होती है। बेसिक सैलरी का यूज सेट बाय द यूजर इन वाउचर्स में किया जाता है, और दूसरा होता है एक एच आर ए टी ए डी ए पी एफ। इसका ये जो होता है परसेंटेज रेट के अकॉर्डिंग सैलरी क्रिटेरियर किया जाता है, मापदंड किया जाता है सैलरी को परसेंटेज बेसिस पे कि कितना परसेंट एम्प्लॉय को एच आर ए मिलना चाहिए, कितना टी ए मिलना चाहिए, कितना डी ए मिलना चाहिए, कितना पी एफ मिलना चाहिए। एच आर ए का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंसेस, टी ए का मतलब होता है ट्रैवलिंग अलाउंसेस, डी ए का मतलब होता है डेयरनेस अलाउंसेस, और पी एफ का मतलब होता है पब्लिक फंड, और एक होता है पी एफ एफ, इसका मतलब होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है वो गवर्नमेंट जॉब जो कर रहे होते हैं एम्प्लॉय उनके लिए होता है, और ये पब्लिक फंड जो होते हैं जो एम्प्लॉय जो किसी व्यक्ति का बिजनेस चल रहा है जैसे उन सब के लिए। और ये तीसरा है बोनस, तो इसका यूज हम परसेंटेज वाई करते हैं और परसेंटेज वाई ही इसका डिफाइन करते हैं, और बोनस जब भी हम देते हैं वो फ्लैट रेट वाइज देते हैं। एंड चौथा है पी एफ
PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड इस डिडक्शन टाइप इनटू सैलरी, यह सैलरी का डिडक्शन टाइप है जो कि मैंने बताया गवर्नमेंट जॉब में जो होते हैं उनके लिए होता है, या फिर जिनका प्राइवेट जॉब में जो एम्प्लॉय होते हैं, किसी किसी प्राइवेट जॉब में भी PPF मिलते हैं। और पांचवा है ओवर टाइम। ओवर टाइम इज पे अकॉर्डिंग टू आवर्स। ओवर टाइम जो हम करते हैं किसी कंपनी में, ओवर टाइम हमारा हुआ जैसे हम जिस कंपनी में वर्क कर रहे हैं तो वो कंपनी का टाइम है 9 से लेकर 4 तक का। अगर 9 से 4 तक हम वर्क किया और उसके बाद हम 2 घंटा 3 घंटा एक्स्ट्रा जो वर्क करते हैं तो घंटा वाइज उसका पेमेंट हमें मिलता है। जैसे मान लीजिए है 180 रुपया 200 रुपया प्रति घंटा का पेमेंट हो, तो वो जो एम्प्लॉय होता है जितना घंटा वर्क करता है ऑफिस में उसका अलग से उसे पेमेंट मिलता है बेसिक सैलरी के अलावा। और एक होता है रिम्बर्समेंट। रिम्बर्समेंट जो है वो ये कंपनी को, कंपनी के जो एम्प्लॉय होते हैं और कंपनी जो अमाउंट डालेगा वो अमाउंट एम्प्लॉय को तोड़ कर मिलता है रिम्बर्समेंट में। अगर कंपनी के बिहाफ पर एम्प्लॉय ने कुछ पेमेंट, एम्प्लॉय की कुछ पेमेंट कट जाती है, ये भी कम ज़्यादा हो सकता है, इसे हम रिम्बर्समेंट में मेंटेनेंस करते हैं। और ये रहा हमारी सैलरी, एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी, HRA TA DA PF बोनस PPF ओवर टाइम रिम्बर्समेंट। HRA का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंसेस, TA का मतलब होता है ट्रैवलिंग अलाउंसेस, DA का मतलब होता है डेयरनेस अलाउंसेस, PF का मतलब होता है पब्लिक फंड जो कि बिजनेसमैन के लिए होता है, हमने आपको बता दिया है, एंड PFF जो होता है वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो पेरोल को हम टैली ERP 9 में कैसे मेंटेनेंस करेंगे और इसकी क्या क्या यूजेज होती हैं वो सब हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो आज आपने सीखा पेरोल को, टैली पेरोल क्या है, इसका हम कैसे टैली ERP 9 में मेंटेनेंस करते हैं और बेसिक सैलरी के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप हमारी DVD परचेज करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.iptindia.com पर लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपको पेरोल में कोई डाउट है तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।